तस्वीर में दूल्हा और दुल्हन बने इन सब जोड़ों को मोहब्बत करना मौत का सबब बन गया है। ये कहानी कानपुर देहात की है, जहां एक ही गांव में रहने वाले उमाकांत और शानू एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने लगे, और प्यार जब परवान चढ़ा तो शादी में बदल गया। दोनों ने साथ जीने और मरने का इरादा कर लिया। शादी कानपुर के एक आर्य समाज मंदिर में हुई और कानपुर कचहरी परिषद में शादी को रजिस्टर भी कराया गया। लेकिन जैसे ही इसकी खबर गांव में लगी तो मानो लड़के और लड़की के ऊपर मौत मंडराने लगी। दरअसल गांव में उमाकांत और शानू की शादी के आगे उनकी जात आ गई। एक दूसरे के साथ उम्र भर साथ रहने वाले ये प्रेमी अब मौत के डर से दर दर भटक रहे हैं। प्रेमी जोड़े के वायरल वीडियो ने उनके इस डर के पीछे की कहानी खोल कर रख दी है। वीडियो में ये जोड़ा पहले तो अपने अपने परिवार पर ही उंगली उठा रहा है। उनका परिवार उन दोनों की हत्या करा सकता है। हालांकि 400 परिवारों का एक गांव जिसमें 396 परिवार ऊंची जाति का है, बाकी के 4 परिवार दलित समुदाय के हैं, जिसमें से एक घर में उमाकांत रहता है। बात साफ है कि विरोध किस बात का है। अब सुनिए आगे की कहानी, जिसमें इस जोड़े ने कानपुर देहात की पुलिस की कार्यशैली और उनकी साठ गांठ की बात बोली है। इसके बाद उन्होंने अपनी जान के खतरे को लेकर बीजेपी के किसी नेता का भी जिक्र किया है। हालांकि पुलिस ने लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस प्रकरण में लड़के के चाचा को 2 दिन से थाने में बैठा रखा है। अंतरजातीय विवाह भले ही समाज के कुछ हिस्से में अभी भी गलत माना जाता हो, लेकिन हमारा कानून इसे पूरी तरह से इजाजत देता है। लेकिन जब कानून के रखवालों पर आरोप लगने लगे तो कोई क्या करे।